बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक कीर्ति शर्मा ने सौंपा है सूचना पत्र, विधानसभा के प्रमुख सचिव को सौंपा है सूचना पत्र। तो 19 दिसंबर से लगेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कई मुद्दों पर प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बोले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सूचना पत्र सौंपा है, तो विधानसभा के प्रमुख सचिव को सूचना पत्र सौंपा है। 19 दिसंबर से लगेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कई मुद्दों पर प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है। तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बोले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 दिसंबर से लगेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, तो विधानसभा के प्रमुख सचिव को सूचना पत्र सौंपा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सूचना पत्र सौंपा है। तो शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक के पीसी शर्मा ने सूचना पत्र सौंपा है, विधानसभा के प्रमुख सचिव को सूचना पत्र सौंपा है। तो 19 दिसंबर से लगेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कई मुद्दों पर प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है। तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री भी बोले हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सूचना पत्र सौंपा है, विधानसभा के प्रमुख का सचिव को सूचना पत्र सौंपा है। तो 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र लगेगा, तो कई मुद्दों पर प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की बात पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बोले हैं। तो क्या कुछ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा आपको सुनवाते हैं। जिस पर जनता का विश्वास नहीं है वो भी अविश्वास प्रस्ताव। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के दोनों के आज आपने बयान देख सुने होंगे। राजा पटेरिया नेता प्रतिपक्ष पे अध्यक्ष का विश्वास नहीं है, अध्यक्ष पे नेता प्रतिपक्ष का विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की विधायक नहीं सुन रहे, विधायक की कार्यकर्ता नहीं सुन रही, कार्यकर्ता की जनता नहीं सुन रही, एक दूसरे पे किसी का विश्वास नहीं और अविश्वास प्रस्ताव ला रहे। अचंभे की बात है, पूरी पार्टी जो अविश्वास से घिरी हुई है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इनके विश्वास की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी नहीं है। जो विषय होगा गुण दोष के आधार पर हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, आश्चर्य की बात है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो विधानसभा के प्रमुख सचिव को सूचना पत्र सौंपा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सूचना पत्र सौंपा है।